नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज पूरे देश में 31 अगस्त को विमुक्ति जाति दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विमुक्त जाति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण और संजीव कुमार गोंड शामिल हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में घुमंतू समाज के पदाधिकारी और लोग सम्मिलित हुए। इस मौके पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अब तक इस समाज के साथ अनदेखी हुई है, पर योगी सरकार इस समाज के साथ खड़ी हुई है। आने वाले समय में एक बोर्ड के माध्यम से इस समाज के उत्थान की नीति बनाते हुए काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा इस समाज के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। मंत्री आदरणीय असीम जी के सुपरविजन में आज लखनऊ में ऐतिहासिक कार्यक्रम विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया गया। मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विमुक्त जातियों और घुमंतू जातियों के सभी भाई बहनों को आज के ऐतिहासिक दिन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय असीम जी का, कि जिन्होंने अंतोदय के भाव को धरातल पर उतारने के लिए ऐसे समाज, ऐसी जातियों को बुलाकर आज सम्मानित करने का काम किया, जिन जातियों की पहचान आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने एक अपराधी के रूप में देखी थी। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि घुमंतू और जो विमुक्त जातियां हैं, इन जातियों को अंग्रेजों ने जन्मजात अपराधी घोषित करके रखा था, लेकिन लोकतंत्र की ताकत ने इन सभी जातियों को उस अपराध, जन्मजात अपराध के कलंक से दूर करने का काम किया। और आज खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इन समाजों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम, आवास दिलाने का काम और खास तौर से जाति प्रमाण पत्र की समस्या, जो जो इनके मुद्दे थे, मसले थे, उन सबको हमारी सरकार ने एड्रेस किया है और आज ये समाज अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। बहुत सारी समस्याएं समाज के नेताओं के द्वारा आज मंच के माध्यम से भी उठाई गई हैं। हमने घुमंतू समाज के भाई बहनों को, विमुक्त समूह के भाई बहनों को आश्वस्त किया है कि आपकी समस्याओं और आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हर अच्छा कदम उठाने के लिए आगे बढ़ेगी। लोग लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस मना रहे हैं। ये दिन वो है जब अंग्रेजों द्वारा जो काला कानून बनाया गया था, आपराधिक जनजाति, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, इसको समाप्त किया गया और विमुक्त जाति कानून लाए। ये सही मायने में इन संख्या के रूप से छोटे छोटे समूह की दूसरी आज़ादी थी और इसके तहत काम करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आयोग बनाया आदरणीय इदाते जी की अध्यक्षता में, और उसने जो अपनी संस्तुतियाँ की हैं, सूचियों को ठीक किया है, उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा भी आदरणीय पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी ने कहा, एक DNT बोर्ड बनाने के बारे में विचार किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी से चर्चा की जाएगी ताकि ऐसी एक संस्था बन सके जो हमारी ऐसे घुमंतू समाज, जनजाति समाज जो विमुक्त जाति के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, उनके कल्याण के लिए काम करें। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।